हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आखिर क्यों इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी मार्स मिशन पे वर्क कर रही है, क्या है खास इतना मार्स पे? तो आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब दूंगा और आप देख रहे हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अपने रॉकेट को लेकर चलते हैं मार्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई मार्स? इंसानों ने मार्स को ही क्यों चुना रहने के लिए? तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है और लॉजिकल भी है कि हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। मतलब ये कि वीनस और मरकरी सन के काफ़ी ज़्यादा करीब है और इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और इसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। एंड उसके बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये सारे ही प्लैनेट गैसियस प्लैनेट्स हैं, इसीलिए इनको गैस जायंट्स भी कहते हैं। मतलब इन चारों प्लैनेट्स पे सरफेस है ही नहीं और लैंड भी नहीं है, सरफेस और लैंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर यहाँ पे कदम रखोगे तो आप नीचे गिरने लगोगे और तब तक नीचे गिरोगे जब तक आप इस प्लैनेट के कोर तक ना पहुंच जाओ, और किसी भी प्लैनेट के कोर पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या? मार्स। लेकिन रुको जरा, हमने सुना था टाइटन भी है। टाइटन पे हम रह सकते हैं लेकिन वो अभी अर्थ से काफ़ी दूर है और अभी के माहौल में हम जा नहीं सकते। सबसे पास मार्स है तो हम मार्स पे ही रहेंगे और क्या पता टाइटन पर थेनोस नाम का प्राणी भी मिल जाए हमें। सो सेकंड नंबर आता है स्ट्रक्चर एंड सरफेस ऑफ मार्स। मार्स एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है जो कि छोटा और पथरीला है, मतलब यहाँ लैंड है। सेकंड, मार्स के पास अपना खुद का थिन एटमॉस्फेयर भी है। और थर्ड, मार्स पे डेड वोल्केनोस भी हैं। थर्ड पॉइंट आता है टाइम ऑन। तो अगर मार्स पे टाइमिंग की बात करें तो मार्स पे एक दिन 24.6 आवर्स का होता है और एक साल 687 अर्थ डेज का होता है, मतलब अर्थ के लगभग दो गुना। अब फोर्थ पॉइंट आता है, व्हाई मार्स इज कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। मार्स को रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रेड है, और वो रेड इसलिए है क्योंकि उसके सरफेस पे पी आयरन होता है और मार्स एक कोल्ड डिजर्ट प्लैनेट है। वाटर ऑन मार्स, हमारे लिए वाटर बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा 70% बॉडी भी वाटर ही से बना है। तो वाटर का क्या हालचाल है मार्स पे? देखो, मार्स पे एंशियंट फ्लड्स के वजूद मिले हैं, मतलब मार्स पे कभी पानी था, और मार्स के हिल साइड्स पे सॉल्टी वाटर का भी वजूद मिला है। लेकिन अब ज़्यादातर पानी जो है आइसी डर्ट और आइस के फॉर्म में ही है। प्रॉब्लम्स ऑन मार्स। अब मार्स पे काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने पड़ेंगे। पहला प्रॉब्लम आ जाता है, मार्स पे अपना एटमॉस्फेयर तो है लेकिन मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सिर्फ 0.6% है, जिसकी वजह से हम मार्स पे एक सेकंड भी नहीं रुक सकते बिना स्पेस सूट के। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से हमें पानी की भी दिक्कत होगी। बट हाउ? तुमने कहा था कि पानी है। मैंने बोला था कि पानी आइस के फॉर्म में है, मतलब आइस के फॉर्म में। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से आइस पानी में ना बदल के डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, जिसकी वजह से हम आइस को वाटर कंसीडर नहीं कर सकते हैं। सेकंड, ओजोन लेयर एंड ऑक्सीजन। तो मार्स के पास अपना खुद का थिन एटमॉस्फेयर तो है लेकिन थिन एटमॉस्फेयर होने की वजह से मार्स पे जो सनलाइट आती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है और मार्स पे 24/7 ठंडा का माहौल रहता है। और मार्स के एटमॉस्फेयर पे 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, 2.8% नाइट्रोजन है और सिर्फ 0.147% ही ऑक्सीजन है, मतलब हमें ऑक्सीजन की कमी होगी। और इसी की वजह से वहाँ का ओजोन लेयर भी मेंटेन नहीं रह पाता है, मतलब हम यूवी रेस से इफेक्ट हो सकते हैं वहाँ पे। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो हमें स्पेस के डेंजरस रेडिएशन से बचाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड मार्स पे है ही नहीं और ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। और मार्स का जो ग्रेविटी है वो अर्थ ग्रेविटी से 3 times कम है। तो हमारे पास ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड वाटर, थर्ड ओजोन लेयर, फोर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड फिफ्थ टेम्परेचर। टेम्परेचर ठंडा है, हम किसी तरीके से रह भी सकते हैं थोड़ा सा कम करके, लेकिन बाकी के 4 प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़े हैं। और उसमें वाटर की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमारी 70% बॉडी वाटर से बनी और ऑक्सीजन तो हमें चाहिए सांस लेने के लिए। सो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत लगी है वीडियो में, तो लोगों के साथ शेयर भी करें कि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। और
और मार्स के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।